पप्पा पप्पा कर रही थी अभी, तो सुनो पप्पा ने क्या किया है, पता चल जाएगा। बालाकोट में घुसकर ठोका इस पप्पा ने, चलो हनन करने की कोशिश। पप्पू पप्पू के बारे में बात तो सुन लीजिए, मैं कहूंगा गांधी ऑमलेट स्टॉल खोले, क्यों सीटें आई अंडा 2014 में, सीटें आई अंडा 2019 में, अंडा 24 में अंडा, और अंडे बना बना के यहाँ पे बैठ के हमसे पूछ रहे हैं। लोग वोट देंगे, खदेड़े जा रहे हैं गांव में, घुसने नहीं दिए जा रहे भाजपा भी, और इनका बड़ा देशद्रोही तो राहुल गांधी है जो सिखों के पगड़ी को हटा रहा है, उससे बड़ा देशद्रोही कौन है जो ये उंगली अपने पास रखी है, अपने पास रखी अपनी उंगली, आपका नेता बकवास करती है, नहीं उठती है राहुल गांधी कहते हैं जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंडियन रह भारत के एक और नई वीडियो में। और दोस्तों आप सभी को पता है इस वक्त हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं। आज के इस डिबेट में गौरव भाटिया और सुप्रिया श्रीनेत के बीच इसी बात को लेकर बहस चल रही है कि क्या बीजेपी कांग्रेस को हराकर फिर से तीसरी बार हरियाणा में अपनी सरकार बना पाएगी। वहीं सुप्रिया श्रीनेत बीजेपी वालों कह रही है कि लोग उनसे बड़े नाराज हैं, उन्हें गांव में और वोट मांगने के लिए जाने भी नहीं दे रहे हैं। गौरव भाटिया ने भी राहुल गांधी के ऊपर उंगली उठाकर उन्हें देशद्रोही तक बता दिया। दोस्तों ये डिबेट बड़ी ही शानदार और मजेदार होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को साथ में एंड तक देखते हैं। थैंक यू। अस्मिता को लेके और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि किस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने और हरियाणा में हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सानी जी ने काम किया है, लेकिन रणदीप सुरजेवाला का एक बयान है, हमें लोग विधायक सांसद क्यों बनाते हैं, हम हेमा मालिनी तो है नहीं कि चाटने के लिए बनाते हैं। आप मुझे बताइए, इस तरह के लोग अगर इनकी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, और सबसे बड़ी बात है ये महिला अस्मिता की क्या बात करेंगे, कलकत्ता में हमारी एक बहन डॉक्टर, उसकी हत्या और रेप हो जाती है। एक पार्टी जो खड़ी रही जनता के साथ वो है भारतीय जनता पार्टी, और बड़े दुख से कहूंगा राहुल गांधी से किसी ने सवाल पूछा रोमाना जी कि हम बात करना चाहते हैं, उन्होंने कहा दिस इज अ डिस्ट्रैक्शन, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। और यहां पे जो बैठी है मैडम, और ये व्यक्तिगत नहीं है, हमारी नेत्री है, हमारी नेत्री कंगना रनौत के लिए कह रहे मंडी में भाव क्या चल रहा है। यहां पर मेरे लिए व्यक्तिगत एक झूठी बात कही गई, हाँ, और जरूरी है कि मैं उस बात का क्लैरिफिकेशन दूं। ये मैंने पहले भी दिया था, और ये असलियत है कि इलेक्शन कमीशन ने मेरे क्लैरिफिकेशन को माना, अन्यथा मुझे बैन कर दिया जाता। मैंने कंगना जी के लिए कोई बयान नहीं दिया था, मेरे ट्विटर पे कोई उनका वक्तव्य नहीं था, किसी ने गलती से एक पोस्ट किया, उस व्यक्ति को मैंने नौकरी से निकाला। ये दिल्ली पुलिस के पास गए थे, दिल्ली पुलिस ने तफ्तीश करी और उनको पता चला कि मेरा मोबाइल लोकेशन लखनऊ था, जहां से पोस्ट हुआ वो एक लड़के ने गलती से मेरे पैरोडी अकाउंट से उठा के, जो बीजेपी चलवा रही थी, उन्होंने झांसी में पोस्ट किया, इसलिए बीच में नहीं बोलिए, इसलिए मेरे ऊपर कभी कोई आक्षेप मत लगाइएगा। और पप्पा पप्पा कर रही थी अभी, तो सुनो पप्पा ने क्या किया है, पता चल जाएगा। अनुच्छेद 370 इनसे छुआ नहीं जाता था, क्योंकि मुस्लिम वोट चले जाएंगे, पप्पा ने उखाड़ के फेंक दिया। पप्पा पप्पा करती हो ना, तो मैं ये बताना चाहता हूं, पाकिस्तान ने बुरी नजर से देखा, आतंकवादी हमला किया, बालाकोट में घुसकर ठोका इस पप्पा ने, चल लो। और ये नहीं मनमोहन सिंह जी की तरह रीढ़ की हड्डी ना हो, जब हमारी सेना कहती रही सबक सिखा देंगे और नहीं सिखा पाए। और एक बात और कहूंगा, पप्पा की बात कर रहे हैं, पप्पू की भी फिर बात कर लेते हैं, जिनको मैं नहीं कह रहा भाई, मुझे तो बुरा लगता है, लेकिन सैम अंकल, सैम पित्रोदा अंकल ने कहा ये पप्पू नहीं है। अरे भाई राहुल गांधी को पप्पू कहते हो, कितना बुरा लगता है, नेता प्रतिपक्ष है और भारत की लोकतंत्र की ताकत देखिए, बीजेपी ने करोड़ों रुपए खर्च किए ना उनको ये बनाने में, कहा था उस दिन सैम ने कहा वो पप्पू नहीं है, सैम अंकल ने कहा था, सुना था, लेकिन ये बीजेपी ने पूरा का पूरा चरित्र हनन करने की कोशिश की। पप्पू के बारे में बात तो सुन लीजिए, तथ्यों के आधार पर बता रहा हूं, मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे नहीं पता कि सुप्रिया श्रीनाते को लगा या नहीं लगा, लेकिन श्रीनेत सुप्रिया मेरी बहन श्रीनेत को लगा या नहीं लगा, लेकिन जब जाके राहुल गांधी विदेशी धरती पे कहते हैं कि भारत के सरदार सिख पंजाबी टर्बन नहीं पहन सकते, पगड़ी नहीं पहन सकते और कंगन नहीं पहन सकते, कड़ा नहीं पहन सकते, तो मैं कहता हूं शर्मसार हो जाना चाहिए ऐसी कांग्रेस पार्टी को। 2019 के चुनाव में हमारी 10 में 10 आई, इनकी अंडा आई, ठीक है, अब हमारी 5 और 5 है, लेकिन हम कमजोर हो गए। और अभी इनके मुंह से दिल्ली की भी बात निकली, मैं कहूंगा गांधी ऑमलेट स्टॉल खोले, क्यों दिल्ली में आपको मालूम है रोमाना जी, 2015 का विधानसभा सीटें आई अंडा, 2020 का विधानसभा सीटें आई अंडा, 2014 में सीटें आई अंडा, 2019 में अंडा, 24 में अंडा, और अंडे बना बना के यहाँ पे बैठ के हमसे पूछ रहे हैं। हरियाणा को तो इस कगार पर ले आए
कि हरियाणा के जो युवा हैं वो इसराइल के युद्ध क्षेत्र में जाने को तैयार है, और हरियाणा में जब 5,000 सफाई कर्मचारियों की नौकरी निकलती है तो करीब करीब 50,000 पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट अप्लाई करते हैं। ये उधर उधर की बातें नहीं है, यही बातें हैं। जवाब ले लेते मुद्दों पर, बेरोजगारी का मुद्दा, हरियाणा, ठीक है। अब बेरोजगारी पे उत्तर ले लीजिए। सबसे पहले हरियाणा की ही बात कर लेते हैं। मुद्रा योजना में करीब 56,000 करोड़ रुपए हमने दिए हैं युवाओं को, जिससे कि रोजगार के अवसर है। और एक तुलनात्मक आंकड़ा लेके आया हूँ, क्योंकि ये तो देती नहीं है कि हमारे समय में इतना अच्छा था, आपके समय में कम हो गया, तो जनता को जानने का हक है। 2005 से 2014 तक इनकी सरकार थी हरियाणा में, कुल सरकारी नौकरियां दी 86,000, हमारे सरकार 10 साल में 1,43,000 नौकरियां दे चुकी है, जो 70% ज्यादा है इनके 10 साल की नौकरियों से। आप आंकड़ों से बताइए, प्लीज हल्की बात मत करिए। आप हल्की बात कर रहे हैं, आप बेरोजगारी को आप बताइए, मैंने कोई ऐसी बात करी? एक मिनट उनको बोलने दीजिए, फिर आप आ जाइएगा, प्लीज आइए। इधर उधर की बेरोजगारी का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। बेरोजगारी पे उत्तर दिया, अब इनकी कुछ बातों का उत्तर दे दूं। ये आपके सम्मान में पहले दिया था और आंकड़ों के साथ दिया। इन्होंने कहा मारने की बात करते हैं, हमारे नेता तो नहीं करते। आपको मालूम है एयरपोर्ट के टेरमार्क पे मोदी तेरी कबर खुदेगी, पवन खेड़ा बैठे हुए थे और कांग्रेस पार्टी ये नारे लगवा रही थी देश के प्रधानमंत्री के लिए, हाय हाय मोदी मर जा तू, हाय हाय मोदी मर जा तू, ये नारे लगे थे, आपके चैनल ने भी दिखाए थे। और मैं इतना ही कहूंगा, जिस व्यक्ति के ऊपर 140 करोड़ भारतीयों का आशीर्वाद होता है, उसे ये टूटी फूटी हल्की पार्टी की बददुआएं क्या लगेंगी। मोदी जी आगे भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रहेंगे। किसानों की बात यहां तो करेंगे, लेकिन कर्नाटका में 1.5 साल की सरकार में 1200 किसानों ने आत्महत्या करी, आपकी रिपोर्ट है, आप देख लीजिएगा। राहुल गांधी वहां कभी नहीं गए। महिला की बात यहां तो करेंगे, लेकिन जब हमारी बहन का बलात्कार और हत्या होती है तो प्रियंका वाड्रा गांधी वहां नहीं जाती, हाथरस पहुंच जाती है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन तब जब भाजपा का शासित प्रदेश होगा, कांग्रेस का या इंडिया अलायंस का नहीं होगा। सोनिया गांधी का चुनौती के साथ कह रहा हूं, एक वक्तव्य अगर सुप्रिया सुनेत यहां दिखा दे कि दिया हो कलकत्ता में जो हुआ है। और तीसरी, राहुल गांधी ने डिस्ट्रैक्शन बुलाया। मैं आप दोनों से जानना चाहती हूँ, यहाँ जिस तरीके का आर पार चल रहा है, हरियाणा की स्थिति क्या है? आप दोनों का हरियाणा जाना हुआ, हरियाणा में भी मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, या फिर ये जिस तरीके से छोटे दल गठबंधन बन रहा है, आम आदमी पार्टी है, उधर जेजेपी आजाद समाज पार्टी के साथ आ गया है, INLD BSP और वो कांडा साहब साथ में आ गए हैं। आपको लगता है क्या है, सत्ता चलाने के बाद जेजेपी अब जाएगा और कहेगा हमें वोट दीजिए और लोग वोट दे देंगे? खदेड़े जा रहे हैं, गाँव में घुसने नहीं दिए जा रहे हैं भाजपा भी और इनका भी टीम जेजेपी भी। मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपने कहा हरियाणा, मैं करीब 4-5 दिन लगातार हरियाणा में प्रचार करके आ रही हूँ, ठीक है। मैं आपको एक बात लिखकर दे सकती हूँ, बीजेपी अगर 20 बार कर ले तो इनका अच्छा प्रदर्शन रहेगा। यहाँ पे मैं 20 में समेट रही हूँ, 20 बार कर ले तो अच्छा प्रदर्शन रहेगा। और लड़ाई कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, बीच की लड़ाई है इनके और आपके बीच की लड़ाई, आप बता दीजिए। आपको भी लग रहा है कि लड़ाई हरियाणा में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है? सुनिए, इन्होंने एक बार ये नहीं बताया कि इनकी सीटें कितनी आएंगी, इन्होंने भाजपा की बताई। हाँ। मैंने अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का बताया, अब मैं बता रहा हूँ, यही फर्क है। मजबूत पहलवान अपनी बात करता है, हमारे सामने कोई भी हो हम धोबी पटक करेंगे, इनको गिराएंगे, तीसरी बार भाजपा सरकार बनाएगी, 50 से ज्यादा सीटें हमारी आएंगी, ये भी आप जान लीजिए। और हरियाणा के संदर्भ में सुन लीजिए, एक बहुत बड़ी बात कहता हूँ, वहां पे हमारे जाट भाई भी हैं, बहने भी हैं, उनका बहुत सम्मान है। आपको मालूम है कितना आक्रोशित हैं, देश के उपराष्ट्रपति जाट समुदाय से आते हैं, भाजपा ने उन्हें मौका दिया, और कांग्रेस के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा था टूटी हुई खाट और झुका हुआ जाट किसी काम का नहीं है, और जब ये अपमानित करते हैं तो आप जाट आपको अपनी ताकत बताएगा, सुपड़ा साफ कर देगा, और झुकाया नहीं जाट ने तो कहना। और यहाँ पर ये जाटों की बात करेंगे, सतपाल मलिक को इन्होंने बनाया था गवर्नर, सतपाल मलिक एक जाट है, उस बेचारे ने किसानों के लिए बोल दिया तो उसको बीजेपी वालों ने देशद्रोही डिक्लेयर कर दिया। जिस जाट के बेटे को आपने देशद्रोही डिक्लेयर किया है, किसने बनाया था, आपने बनाया था, तो उसको देशद्रोही आप डिक्लेयर करेंगे, ये बताइए मुझे। और मैं एक चीज यहाँ पर बोलना चाहती हूँ, यहाँ पे आकर ना, सबसे बड़ा देशद्रोही तो राहुल गांधी है, झूठ नहीं करना चाहिए, जो सिखों के पगड़ी को हटा रहा है, उससे बड़ा देशद्रोही कौन है जो ये कह रहा है कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया? ठीक है, ठीक है, जवाब दीजिए, ठीक है, ठीक है, आरोप लगाया आपने, जवाब दीजिए, क्यों नहीं है इस लोकतंत्र में? मुझे आप किसी को देशद्रोही नहीं कह सकते, ये कौन होते हैं देशद्रोही कहने वाले? उंगली अपने पास रखिए, अपने पास रखिए अपनी उंगली, आप बकवास करती है, आपका नेता बकवास करती है, राहुल गांधी बकवास करता है।
क्योंकि प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप लगाता है। मेरे प्रधानमंत्री को एक शब्द बोलेंगे सही कर दूंगा। ऐसा कोई माइकल लाल नहीं है जो देश के प्रधानमंत्री के बारे में।